हरि ओम ओम कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतानश्रण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मयेधि वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीहि अनेना धीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्भक्तार्थमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति 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 पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणे स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतं अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनी अम्बत्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा
भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदो गावो दुग्धागोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायण नारायण नारायण। मुझे जैसा याद आ रहा है, पहले हम इस हाल में कभी यज्ञ कर चुके हैं और उस समय ये इतना व्यवस्थित नहीं था, तो मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि इस समय जो लोग इसको संभाल रहे हैं, इसकी सेवा में लगे हैं, उन लोगों ने इस सत्संग भवन को बेहतर स्थिति में उपस्थित किया है। यहाँ वो होंगे नहीं होंगे, लेकिन मैं उन सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूँ। मैं आया तो काफ़ी कुछ बदला हुआ दिखाई दिया। इस तरह के स्थान बेहतर होने चाहिए और वो अपने आप बेहतर नहीं होते हैं। हम लोगों के समाज में ये बात कही जाती है कि भगवान की इच्छा है करने वाले वही हैं। ये बात 100% सही है, लेकिन भगवान को इच्छा क्यों होगी? वो परिपूर्ण है, उनको इच्छा क्यों होने लगी कि इस जगह को बेहतर कर लिया जाए या कोई काम पहले से बेहतर बना दिया जाए? इच्छा तो जीव का धर्म है, ईश्वर का धर्म नहीं है। होता यह है कि इच्छा हमारी होती है और जब हम उसको बहुत सावधानी से, लगन से तो पूरा करना चाहते हैं और भगवान का आश्रय भी रखते हैं मन में, तो वो जो हमारी इच्छा है वो उनकी इच्छा बन जाती है, लेकिन वो सस्ते में नहीं बनती। वो देखते हैं कि ये आदमी इस इच्छा को लेकर कितना सीरियस है, इसमें लगन कितनी है, इस बात को पूरा करने के लिए
ये कितना बलिदान दे सकता है, कितना समय देता है, तन मन धन क्या देता है। तो वो बात सही है कि हमारे करने से कोई काम पूरा होता हो, ऐसा मेरा अनुभव नहीं है, मेरा खुद का ऐसा अनुभव नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि जहाँ हम लगन नहीं रखते हैं, जहाँ हम सिंसियर नहीं होते, सीरियस नहीं होते, शायद प्रभु को ऐसा लगता है कि ये दिल से नहीं चाहता, ये ऊपर ऊपर चाहता है। तो जब यही ऊपर ऊपर चाहता है तो मैं क्यों पूरा करूं? तो मेरी सिंसियरिटी को एक बार देखना ज़रूर चाहता है वो, उसकी परीक्षा करता है। और अगर सचमुच में हम किसी इच्छा को लेकर के सीरियस होवें तो पूरा ज़रूर हो जाती है। तो बधाई मैंने इसलिए दिया क्योंकि लोगों ने सीरियसनेस दिखाई होगी, उसके लिए जो स्वाभाविक बलिदान है वो किया होगा, तभी जा कर के सत्संग भवन का ये स्वरूप उपस्थित हुआ है। बहुत अच्छा है। अब इसमें और क्या किया जा सकता है, यहाँ से उतरने के बाद मैं बताऊँगा। तो नारायण, 12वां अध्याय भगवद गीता का हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। भगवान की स्वयं की वाणी है, जीवन भर उसको हमें समझना है और जीने का प्रयास करना है। मुझे याद नहीं आ रहा है, आज मैं याद कर रहा था कि देहरादून में मैंने कभी गीता जी को लिया है कि नहीं लिया है। कभी लिया है? अच्छा, तो कौन सा? नाइन्थ और 18वां। तो ये अच्छी बात है। तो गीता जी के जो बड़े विद्वान हैं, जिन्होंने जीवन गीता जी के अनुसार बनाया, थोड़ी भूमिका मैं आपके सामने रखूं, तो वो ऐसा मानते हैं कि गीता जी में भगवान ने जिस तरह से विषय का विस्तार किया, उसमें जो शुरू के 6 अध्याय हैं, उन 6 अध्यायों का विषय है मैं, बस एक विषय है। मैं हम लोग किसको बोलते हैं? जब हम सभी लोग बोलते हैं मैं, तो उस मैं का आश्रय कौन है? मैं किसको समझ के बोलते हैं? देह को समझ के बोलते हैं या कई बार तो सब उलझा रहता है, बहुत क्लियर नहीं होता। बोलते ज़रूर हैं हम लोग, और ये भी मानते हैं कि देह कभी आया था और छूट भी जाएगा, लेकिन मैं रहेगा। तो नेचुरली मैं जो है वो देह के अलावा किसी और चीज़ को भी होना चाहिए। अगर कहीं हम ऐसा मानते हैं तो वो क्या है जिसको हम लोग मैं बोलते हैं? वो किस धातु से बना है? सोने से बना है, चांदी से बना है, हीरे से बना है, पंचभूत से बना है? मैं किस धातु से बना है? चेतन से बना है, जड़ से बना है? इस बात पर विचार करवाते हैं भगवान 6 अध्याय में। तो अगर मैं बहुत संक्षेप में कहूँ तो 6 अध्यायों का जो मुख्य विषय है, केंद्रीय विषय है, वो है कि हम कौन हैं, हम लोग किसको मैं बोलते हैं। और 6 अध्याय के बाद अगर आप इस कभी दृष्टि से पढ़ें 6 अध्यायों को, तो शायद कुछ ज़्यादा लाभ होगा। अर्जुन ने कहा था मुझे धर्म के विषय में मोह हुआ है,
लेकिन भगवान ने जो उत्तर देना शुरू किया तो शुरुआत ये कि नत्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाहा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। करीब 30 श्लोक दूसरे अध्याय के ऐसे बोलते चले जाते हैं, 30 श्लोक। उसी प्रकरण में ये बात आती है कि अर्जुन जिसको तुम मैं बोलते हो उसका जन्म नहीं होता। अब हमारा तो अनुभव है कि मेरा जन्म हुआ, और अगर नहीं भी अनुभव हो तो लोग करा देते हैं, माने सेलिब्रेट करते हैं। भगवान ने बोला न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता वान भूय। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबको याद होगा, न जायते म्रियते। तो वो क्या चीज है जिसको भगवान बोल रहे हैं? आगे चलते हैं तो देखा कि अर्जुन के चेहरे पे कोई बहुत प्रसन्नता नहीं दिखाई दी। तो बोले अर्जुन, मैं जो कहता हूँ शायद वैसा तुम्हारा अनुभव नहीं है, बस ये फर्क होता है। भगवान जो बोलते हैं और हमारा जो अनुभव है, इन दोनों में बहुत अंतराल है। सही कौन होगा, मेरा अनुभव कि भगवान की वाणी? अब मैं अपने अनुभव को झूठला नहीं सकता, और प्रॉब्लम यह है कि भगवान की वाणी झूठ हो नहीं सकती। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई। सती जी की समस्या यही है। एक तरफ भगवान ने कहा जय सच्चिदानंद परधामा, ऐसा भगवान बोले, शिव जी रो रहे थे, ये राम जी रो रहे थे, ऊपर से शिव जी ने कहा जय सच्चिदानंद परधामा जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। शिव जी ऐसा बोल करके प्रणाम करके आगे बढ़ गए। अब सती जी की समस्या ही यह है कि वो देख रही हैं साक्षात कि ये तो रो रहा है, भगवान कहते हैं तू आनंद स्वरूप है। ये ढूंढ रहा है, अज्ञानी है इसीलिए ढूंढ रहा है, भगवान कहते हैं तुम चेतन स्वरूप हो, सर्वज्ञ हो। तो छोड़ देना था, जो सती जी ने देखा वही सही है। बोले नहीं, मैंने जो देखा वो भी है, लेकिन शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव जी की जो वाणी है वो झूठी हो नहीं सकती, ये श्रद्धा है। तो अब शिव जी की वाणी और मेरा अनुभव, दोनों में जब अंतराल बहुत होता है तो उसी अंतराल में से प्रश्न प्रकट होते हैं। इसलिए सती जी के चित्त में संशय हुआ, प्रश्न हुआ, और प्रश्न ऐसा रहा कि एक जन्म बीत गया वो हल नहीं हुआ, फिर दूसरा जन्म हुआ हल नहीं हुआ, इतनी तपस्या की शिव जी की प्राप्ति हो गई हल नहीं हुआ। प्रश्न तो उत्तर से ही हल होते हैं। तो जब फिर से शिव जी बैठे शांत मुद्रा में, तब पार्वती जी, सती जी नहीं, पार्वती जी उनके सामने उपस्थित हुई और उन्होंने कहा कि प्रभु मेरा एक प्रश्न है वो अभी तक हल नहीं हुआ, राम कवन में पूछो तो ही। पूरे रामायण का विषय क्या है, राम कौन है? वेदांत की भाषा में राम कौन है माने मैं कौन है। आपको अगर मैं कहने में थोड़ा अटपटा लगता हो तो आप बोलो आत्मा कौन है। आत्मा कोई और चीज थोड़ो है, मैं का ही नाम आत्मा है। आत्मा कोई वस्तु थोड़ो है जिसको मैं रखता हूँ, माने मैं ओनरशिप हूँ और आत्मा जो है वो एक प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं है। मेरी आत्मा, तो आप कौन हो? अनात्मा। मेरी आत्मा माने क्या होता है? मैं आत्मा, वो कौन है?
ये 6 अध्याय का विषय यही है। भगवान कहते हैं अच्छा भाई चलो तुम अगर न जाए थे मृते नहीं समझ में आता है तो बहुत बार मेरा जन्म हुआ और बहुत बार मैंने देह छोड़ दिया ऐसा मानते हो क्या। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्य से मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैवम शोचितुम अर्हसि। भगवान ने ऐसा कहा कि अच्छा तुम अगर ऐसा भी मानते हो तो टिके रहना इस पर, बहुत बार मेरा जन्म हुआ और बहुत बार मैंने शरीर को छोड़ा, मैं एक सतत अस्तित्व हूँ, मेरा अस्तित्व एक धारा के रूप में है और ये शरीर एक तरह का घाट है, ठीक है ऐसा मानते हो। बोले महाराज मानता तो हूँ लेकिन ऐसा मेरा कोई माने अनुभव नहीं है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा बोलते हैं, संत लोग ऐसा बोलते हैं, हमारे ग्रंथ ऐसा बोलते हैं कि पहले भी तुम थे और बाद में भी तुम रहोगे, इसलिए हम श्रद्धा से मानते हैं इसको। बोले तुम्हें लगता क्या है ईमानदारी से ये बताओ। बोले लगता तो ये है, ईमानदारी की बात अगर करनी है तो, कि मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ से आया और मुझे ये भी नहीं मालूम कि बाद में मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा, ये मेरी ईमानदारी है। अब इसमें मैं कोई बनावट की बात नहीं करता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि पहले मैं था कि नहीं था, मुझे नहीं मालूम कि बाद में मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा, मुझे इतना मालूम है कि इस समय मैं हूँ, दिस इज ऑल आई नो इट, इस समय मैं हूँ। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, गीता जी का 2 अध्याय का श्लोक। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान बोले ऐसा भी मानते हो तो बहुत ज़्यादा शोक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 धरातल उन्होंने पकड़े, शुद्ध आत्मा क्या है अगर ऐसा मानते हो, जीवात्मा मानते हो या देहात्मा मानते हो, 3 रूप बना, देहात्मा जीवात्मा और फिर शुद्ध आत्मा। तुम्हारी कोई अपने बारे में निष्पत्ति है कि नहीं है, कोई स्पष्ट स्वीकृति है कि नहीं है, नहीं है तो अब तुम सोच लो कितना सही गलत है। तो ये जो धरातल हैं अलग अलग, इन इन धरातलों पर साधक को क्या करना चाहिए ये 6 अध्याय में बताया। इसको हम बोलते हैं वेदांत की भाषा में, आप में से कुछ लोगों को मैं पहचानता हूँ, कुछ हमारे सत्संगी लगता है नहीं, देहरादून में हमारे बहुत सुधी श्रोता रहे हैं, समझने वाले जानने वाले लोग। अब मुझे डॉक्टर साहब नहीं दिख रहे हैं तो उनको पूरी गीता जी याद थी और होंगे तो ज़रूर याद होगी, तो वो हमें सुनाते रहे हैं गीता जी। नारायण डॉक्टर साहब, यस ही देयर। तो ये 3 धरातल पर साधना का अलग अलग स्वरूप है। अगर कोई शुद्धात्मा को स्वीकार करता है तो सांख्य योग उसके लिए है। सांख्य योगे ने सांख्याना, कर्म योगे ने योगिनाम, और जो जीवात्मा मानता है उसके लिए कर्मयोग है। इस रूप में 6 अध्याय तक उपदेश किया है वेदांत में, इसको हम लोग बोलते हैं त्वम पदार्थ का शोधन।
मैं कौन हूँ इसका अनुसंधान करना, और अगर मैं की कोई खोज करे कायदे से तो उसका पर्यवसान कहाँ होगा? बोलते हैं समाधि में। तो छठा अध्याय, दूसरे अध्याय से उपदेश शुरू किया, और छठे अध्याय का नाम आप लोग क्या रखते हो? ध्यान योग। ये छह अध्यायों में ईश्वर का एकाध बार प्रकरण आया, एकाध बार चर्चा की है भगवान ने, वो भी अर्जुन ने पूछ लिया इसलिए, चौथे अध्याय में अवतारवाद का जो प्रकरण है। अन्यथा ईश्वर की चर्चा छह अध्यायों में पढ़ने को नहीं मिलती है। गीता जी का जो विग्रह है ना, वो मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूँ ना। उस सातवें अध्याय में एकदम से विषय बदल देते हैं भगवान। त्वम पदार्थ को तो फिर छुआ ही नहीं उन्होंने, मैं कौन हूँ इसकी चर्चा ही नहीं की। सातवें अध्याय से उन्होंने शुरू किया कि अर्जुन, तुम्हारे बारे में मैंने तुमको बताया, अब तुम मेरे बारे में सुनो, मैं कौन हूँ, मैं मने भगवान कौन है। सातवें अध्याय का पहला ही श्लोक यह है, मैया सक्त मना पार्थ, शायद यही होगा, योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम। आपके पास ग्रंथ है तो देखें, मुझे मैंने आधार मिल जाएगा मन को। मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान बोलते हैं माम ज्ञास्यसि, यथा माम ज्ञास्यसि, जैसे अब तुम मुझे जानोगे। कौन बोल रहा है? भगवान। किसके बारे में बोलने जा रहे हैं? भगवान के बारे में। आप बताओ, भगवान के बारे में भगवान से बेहतर और कौन बता सकता है? कोई जीव बताने जाए तो उसकी तो सीमा है ना, वो गलती भी कर सकता है। आज तो हरप्रीत ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, बड़ी कृपा है। महाराज कई जगह में जाता हूँ तो मेरा परिचय देते हैं लोग, मेरा परिचय कोई और देता है, और वो कुछ का कुछ परिचय देता है। कई बार मुझे आश्चर्य होता, अच्छा मैं हूँ ये मेरे बारे में बातें हो रही हैं, नई नई सूचनाएं मिलती हैं मुझको कि स्वामी जी ऐसे हुए, यहाँ हुए, वैसे हुए। जब कोई दूसरा दूसरे के बारे में बात करता है तो कई बार वो बात सही नहीं होती है। भगवान बोलते हैं मैं बताता हूँ, तुम सुनो, श्रुणो, यथा माम ज्ञास्यसि तत् श्रुणो, जैसे तुम अपने बारे में मेरे बारे में जानोगे वो सुनो, और थोड़ा बहुत नहीं समग्रम माम ज्ञास्यसि। आप देखें शब्द, पूरी तरह से मुझे जैसे समझ लोगे वो मैं बताने जा रहा हूँ, और उसमें कोई संदेह नहीं होगा, असंशयम। भगवान की वाणी तो देखिए, असंशयम समग्रम माम ज्ञास्यसि तत् श्रुणु। अर्जुन वो सुनो, अब मैं तुमको बताता हूँ। अर्जुन को क्यों बता रहा है? युधिष्ठिर को क्यों नहीं बताया? आखिर वो धर्मराज थे, भीम को क्यों नहीं बताया? नकुल, पितामह भीष्म, सहदेव, विदुर जी, एक से एक महात्मा वहाँ पे हैं, बड़े बड़े लोग हैं। भगवान ने अर्जुन को बोला, क्यों बोल रहे हैं? भगवान ने इसे श्लोक में कहा, अर्जुन तुम्हें कुछ खास बात है। एक तो ये है कि तुम्हारे चित्त में मैं ही तुम्हारा सहारा हूँ,
मदाश्रय, ऊपर की पंक्ति में ये लिखा मदाश्रय, बहुत बड़ी बात है। अर्जुन के सामने भगवान ने कहा था यादवी सेना ले लीजिए, एक तरफ हमारी पूरी सेना और एक तरफ मैं बिना हथियार के। अर्जुन तुम छोटे हो, पहले तुम चुनाव करो। दुर्योधन का गला गले में आ गया था उसका प्राण, कि कहीं उसकी धड़कन बढ़ी थी महाराज की च्वाइस इनको दे दी। तो अर्जुन ने कहा महाराज सेना लेके मैं क्या करूँगा, आप मेरे साथ रहो बस मैं दुनिया जीत लूँगा। दुर्योधन ने बिना देर लगाए ये प्रस्ताव स्वीकार किया। बोले भगवान आखिर तो अर्जुन छोटा भाई है, उसका मन दुखी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं छोटे भाई की बात मान लेता हूँ। और इतना प्रसन्न होकर के गया, क्योंकि उसका आश्रय भगवान नहीं थे, उसका आश्रय हथियार है, सेना है, लोग हैं, धन है। यहाँ भगवान अपनी ओर से सर्टिफिकेट देते हैं अर्जुन को, मदाश्रय। दूसरा, तुम्हें अर्जुन भोग भोगने में मज़ा नहीं आता। बोले प्रभु क्या बोलते हो? बोले तुमको मज़ा नहीं आता, भोग भोगने में मज़ा नहीं आता, कहीं और मज़ा ही नहीं आता। तुम्हें मज़ा आता है मेरी स्मृति में, मेरा नाम लेने में, मेरा ध्यान करने में, मेरी चर्चा करने में, मेरी चर्चा सुनने में, मेरा चिंतन करने में, मेरा ध्यान करने में। जब मेरी चर्चा चलती है तुम खिल जाते हो, बाकी जगह तुम थक जाते हो। इसके लिए एक शब्द बोला है भगवान ने, सातवें अध्याय में ही बोलते हैं, मैया सक्त मना पार्थ। इतना प्यारा शब्द डाला है। बोले तुम्हारी आसक्ति, कहीं और मज़ा आता तो आसक्ति वहीं हो जाती। ध्यान रखना, आसक्ति वहीं होती है जहाँ मज़ा आता है। सुख हेतुत्व आसक्तिर भवती, जो सुख का हेतु है वहाँ आसक्ति होती है। अगर कोई संबंध सुख का हेतु है तो वहाँ आसक्ति हो जाएगी। माने आसक्ति का जो हेतु है वो है सुख। अर्जुन तुम्हारी आसक्ति कहाँ है? मैं बोलता हूँ, दुनिया क्या बोलेगी? भगवान बोल रहे हैं तुम मुझ में आसक्त हो, तुम्हारा मज़ा मुझ में है, मेरे नाम में, मेरे चिंतन में, मेरे ध्यान में, मेरी चर्चा में। कोई मेरे प्रभु की बात सुनावे, नानक जी ने बोला ही, मेरे प्रभु की बात सुनाओ, सोई मेरा भाई, सोई मेरा वीर। बोलते हैं वही मेरा भाई है, वही मेरा वीर है। दुनिया की क्या चर्चा करते हो, थकान होती है। सबका अनुभव नहीं है, किसी बड़े संत का ऐसा अनुभव है। तुलसी बाबा ने लिखा इसको, वी माइट नॉट बी एग्री विद हिम, बट उनके अपने उद्गार हैं। मन करी विषय अनलबन जरई, बोले ये मेरा मन हाथी की तरह है, जंगल में इधर उधर दौड़ता है, लेकिन क्या करें, जंगल में आग लगी है, उसको कहीं चैन नहीं है। हमें भी कभी कभी तो लगता है ऐसा, जब कभी दुनिया की बात करते हैं कहीं न कहीं थोड़ी सी चोट जरूर लग जाती है, कहीं ईर्ष्या आ गई, कहीं द्वेष आ गया, कहीं लगा कि मेरा उपहास हो गया, कहीं लगा अपमान हो गया, कहीं लगा कुछ न कुछ थोड़ा आँच लग जाती है। तो लगता है गोस्वामी जी कितने सही हैं, मन करी विषय अनलबन जरई, होई सुखी जो एही सर परई। जब इस सरोवर में गिरता है न तब सुखी होता है। इसलिए दिन भर अगर इधर उधर की चर्चा हो तो भी, अगर शाम को कहीं कोई प्रभु की चर्चा सुना दे तो बात पूरी हो जाए। थोड़ी शीतलता जीवन में
आ जाती है। अर्जुन, तुम्हारा मजा दुनिया में नहीं है, कर्तव्य वशात तुम दुनिया में जरूर हो, लेकिन मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन, और तुम निरंतर प्रयत्नशील हो। योगम युंजन, तीन बात कही अर्जुन के लिए, मैया सक्त, योगम युंजन, और तीसरा कहा मदाश्रय। ये बहुत बड़ा संकेत है हम लोगों के लिए कि हम लोगों के जीवन में ये तीनों बातें आनी चाहिए। 100% सहारा ना हो तो सहारा थोड़ा तो होना चाहिए। सहारा तो वही बनने लायक है, और कौन बनने लायक। इसलिए अर्जुन को गीता मिली, युधिष्ठिर को धर्म का सहारा था, भीम को बल का सहारा था, शकुनी को छल का सहारा था। सबका सहारा भगवान नहीं बन पाते, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं कहूँ सिद्धि है, अगर कोई महापुरुष के जीवन में यह बात आ गई हो, थोड़ी भी आ गई हो तो। और यहाँ से 7वें अध्याय से भगवान अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। 11वें अध्याय में अर्जुन ने कहा, प्रभु आपने जो कहा मैं सच मानता हूँ। ऋषि भी ऐसा ही बोलते हैं, मेरी पूरी श्रद्धा है, लेकिन लेकिन मन्यसे यदि तच्छक्यम। अब मैं जबरदस्ती नहीं करता, जिद नहीं करूँगा। अगर आप ये मानते हो कि मैं आपके इस विराट रूप को देख सकता हूँ तो कृपा करके मुझे दिखा दीजिए। ऐसा नहीं है कि जो आपने कहा उसमें मेरी श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा पूरी है, लेकिन देखने का मन करता है और मुझे लगता है मैं लायक हूँ कि नहीं हूँ। इसलिए मन से यदि तत्शक्यम, यदि आप मानते हो कि ये संभव है, और आपके लिए सब संभव है, चालाकी है थोड़ी सी, हाँ हम भगवान हैं तो क्यों नहीं संभव है, तो प्रभु आप कृपा करके अपना वो विराट रूप हमको दिखाइए। तो 11वें अध्याय में भगवान का विश्वरूप दर्शन का अध्याय है। अच्छा, अर्जुन ने देखा, भगवान ने दिव्य दृष्टि देखी, अर्जुन ने देखा। त्वम पदार्थ का पर्यवसान हुआ था समाधि में, तत्पद का पर्यवसान कहाँ होगा? तत्पद माने ईश्वर का अगर चिंतन करें तो उसका पर्यवसान, उसका कल्मिनेशन कहाँ होगा? बोले भक्ति योग में। तो जो पहला खंड है वो 6वें अध्याय में पूरा होता है, और जो दूसरा खंड है वो 12वें अध्याय में पूरा होता है, उसका नाम है भक्ति योग, जो इस बार हमारा समझने का, अध्ययन करने का विषय है। हम लोग प्रयास करेंगे, प्रभु कृपा करें उनकी वाणी का मर्म थोड़ा समझ में आवे, क्या कहना चाहते हैं वो। 12वां अध्याय शुरू होता है एक प्रश्न से, अर्जुन का प्रश्न है, क्या बोलते हैं वो, आइए हम लोग पाठ कर लें थोड़ा, तो आप दोहराइएगा और प्यार से भगवान की वाणी को हमारी जिह्वा छू रही है तो बड़ी बात है, भाव पूरा होना चाहिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते, एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते।
ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमः तेषां के योगवित्तमः श्री भगवानुवाच मैया वेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमामताः ते मे युक्ततमामताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः अर्जुन उवाच श्री अर्जुन भगवान से पूछते हैं बोले प्रभु अभी तक जो मैंने आपसे सुना आपकी कृपा से तो उसमें ऐसा लगा कि दो तरह के भक्त हैं एक भक्त है जो आपके सगुण साकार रूप की उपासना करता है और एक भक्त है जो आपके निर्गुण निराकार की उपासना करता है और मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि ये दोनों भक्त बिल्कुल शिखर के भक्त हैं अपने क्षेत्र में जो सगुण साकार की उपासना करने वाला है वो मानो सर्वश्रेष्ठ भक्त है और जो निर्गुण उपासना करने वाला है वो भी सर्वश्रेष्ठ है नंबर वन है दोनों अपनी अपनी दिशा में जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं मैं उनकी बात करता हूँ बोले सर्वश्रेष्ठ माने क्या बोलते हो तुम अगर कोई साकार की उपासना करता है सगुण की उपासना करता है तो सर्वश्रेष्ठ माने क्या समझते हो बोले मैं ऐसा समझता हूँ एवं सतत युक्ताः एक तो ऐसा कोई भक्त है जिसको मैं सर्वश्रेष्ठ बोल रहा हूँ जो सतत युक्त है थोड़ी देर के लिए भी आपसे उसका मन बिछड़ता नहीं है उसकी कोई क्रिया आपसे अलग नहीं होती अब ये पहला ही शब्द काफ़ी भारी भरकम है सतत युक्ताः
दूसरा शब्द दिया अर्जुन ने, भक्ताहा, भक्त है। भक्त का अर्थ भगवान शंकराचार्य ने लिखा अनन्य शरणाहा, उसकी शरण। शरण माने होता है आश्रय, और शरण का दूसरा अर्थ होता है घर। संस्कृत में शरण माने एक अर्थ होता है घर, तो उसका और कोई घर नहीं है जहाँ वो विश्राम करे, ऐसा और कोई घर नहीं है। अनन्य शरणा, और कोई आश्रय नहीं है, और कोई कोई उसका घर नहीं है। ये भागवत जी में शरण शब्द आया है, वहाँ उसका अर्थ है घर। पांथ स्वशरणम यथा, भागवत जी का एक मंत्र है, धौतात्मा पुरुष, चले हम बोल देते हैं भगवान की याद आवेगी, धौतात्मा पुरुष कृष्ण पादमूलम न मुंचति, सर्व क्लेश विनिर्मुक्त पांथ स्वशरणम यथा। बोले जैसे आप घूमने गए हो या काम से गए हो और अच्छे अच्छे होटल्स में ठहरे, अच्छी अच्छी जगहों पे ठहरे, देखा और फिर घर लौटे, हो सकता है घर में उतनी अच्छी सुविधा ना हो जितनी उस होटल में रही होगी, ठीक है। घर लौटे, अब आप बैठे हो, मैंने बिल्कुल इनफॉर्मल होके बैठे हो, उस समय कोई दोस्त आकर के आपसे कहे कि चलो कहीं का प्रोग्राम बनाते हैं, महाराज कई बार तो लोग नाराज हो जाते हैं, बोले अभी अभी तो आया हूँ, देखते नहीं हो। उस समय कोई अपने घर को छोड़ना नहीं चाहता, वो घर आता है तो उसको लगता है आह, क्या बोलते हो आप लोग, होम स्वीट होम, वो चाहे जैसी जगह हो महाराज, घर कोई छोड़ना नहीं चाहता। घर की मैंने कभी परिभाषा बोली होगी, शायद भागवत करते समय बोली होगी, भूल जाते हैं लोग तो हम लोगों का काम ठीक रहता है, हर बार नया लगता है आपको। हमने इससे सोचा कि घर किसको बोलते हैं, तो ये समझ में आया कि जहाँ रहने के लिए आपको किसी जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है उसको घर बोलते हैं। मैंने आप होटल में ठहरोगे तो यू हैव टू जस्टिफाई, पूछेंगे लोग आप कब तक हो यहाँ, क्यों हो, तो आप बताओगे काम है इसलिए हैं। आपके घर में आप बैठे हो और मैं पूछूं जा करके कि यहाँ क्यों हो, तो आपका जवाब फिर मुझे दूर से पूछना चाहिए फिर, क्योंकि फिर तो आप नाराज़ हो सकते हो कि क्या मतलब है, मेरा घर है मैं रहता हूँ, तुमसे क्या मतलब। महाराज बिना कारण के जहाँ रह सकें, भागवत जी में लिखा कि ऐसे ही जीव पता नहीं कब से भटक रहा है, लेकिन जब वो अपने असली घर में प्रवेश करता है, असली घर माने प्रभु, जब वो चिदानंद प्रभु में प्रवेश करता है तो फिर उसको छोड़ना नहीं चाहता। हाँ, ये बोलते हैं स्वशरणम यथा न विमुंचति नारायण। तो ये शरण अनन्य हो जाए उसको बोलते हैं भक्त, भाष्यकार ने ऐसा लिखा। ये सतत युक्ताः भक्ताः त्वाम, त्वाम माने त्वाम साकारम, त्वाम सगुणम, त्वाम विराट रूपम। थोड़ा पहले ऐसे बोल देता हूँ फिर थोड़ा सरलीकरण करेंगे, ये भी समझना चाहिए, भाषा बहुत प्यारी है ये। त्वाम परि उपासते, ऐसा आपकी उपासना करता है। दूसरा एक भक्त है, वो भी भक्त है और वो भी सतत युक्त है, ये ध्यान रहे, वो अभक्त नहीं है, सतत युक्त है, भक्त है, लेकिन किसकी उपासना करता है,
बोले आपकी ही करता है, आपकी करता है लेकिन आपके सगुण रूप की नहीं करता, आपके साकार रूप की नहीं करता, तो किसकी करता है? बोलते हैं ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम उपासते भक्ताः। जो भक्त आपके अक्षर और अव्यक्त रूप की उपासना करता है, तेषाम उभयेषाम मध्य, इन दोनों में से साधन के बारे में किसकी जानकारी बेहतर है, कौन श्रेष्ठ है, ऐसा जंप मत करना अर्थ करने का। हाँ, क्या लिखा है? तेषाम के, आप ग्रंथ देखें तो बहुत अच्छा है, तेषाम के योग वित्तमाह, योग के बारे में किसका ज्ञान श्रेष्ठ है। योग माने होता है उपाय, ये ध्यान में रहे जरा, क्योंकि ये शब्द कंफ्यूज करता रहता है बहुत बार। योग माने होता है मार्ग, लाओ ऐसे बोल दें तो श्लोक कैसा बनेगा? तेषाम के मार्ग वित्तमाह, आप ऐसे कर लो। जब आप बोलते हो ज्ञान योग, माने क्या? बोले ये ज्ञान मार्गी है। जब आप बोलते हो भक्ति योग है, क्या मतलब है? भक्ति मार्गी है। कर्म योगी है, माने कर्म मार्गी है ये। तो योग शब्द का यहाँ पर जरा कस के पकड़ने वाली बात है, योग शब्द का अर्थ है मार्ग। तेषाम, इन दोनों में से कौन है मार्ग का बेहतर जानकार? साधना के बारे में जानकारी किसकी सबसे अच्छी है? दो हैं, आपको सुनने से पता लगा कि एक सगुण का उपासक है और एक निर्गुण का उपासक है। आपके मुंह से बताओ कौन है वो जिसकी जानकारी सबसे अच्छी है। अब ये ऐसा विषय है, मैं आज शुरुआत कर देता हूँ 5-7 मिनट कि टाइम होने वाला है, कल थोड़ा खुले टाइम से बात करेंगे। देखें, वेदांत में, सनातन वैदिक धर्म में जब समग्र ईश्वर की बात कही जाती है, आपका ध्यान चाहूँगा, जब समग्र ईश्वर की बात कही जाती है तो उसमें केवल सगुण अथवा केवल निर्गुण नहीं होता, नहीं होता। उसको वेदांत की भाषा में बोलते हैं सोपाधिक और निरुपाधिक। मैं रिपीट करता हूँ और इन शब्दों से डरना नहीं चाहिए, पचा लेना चाहिए। ईश्वर के दो रूप हैं, एक है सोपाधिक उपाधि सहित और एक है निरुपाधिक बिना उपाधि के। मैं दृष्टांत दूं, जैसे एक आदमी खड़ा है तो मैं बोलूँगा एक आदमी खड़ा है, फिर एक लड़का आया तो उसने चाचा जी किया और प्रणाम किया, तो अब वो आदमी जो है आदमी से चाचा बन गया, फिर उसका पुत्र आया तो अब वो आदमी चाचा से पिताजी बन गया, फिर उसका भाई आया तो अब वो चाचा जी पिताजी तो था ही, ठीक है, अब वो भाई बन गया, पिताजी आ गए तो बेटा बन गया, दादाजी आ गए तो पोता बन गया, नाना जी आ गए तो नाती बन गया, बॉस आ गए तो सबॉर्डिनेट बन गया, और सबॉर्डिनेट आ गया तो वो आदमी क्या क्या बन सकता है, आप अनुमान करिए। बोले वो क्या नहीं बन सकता है, यू नो। इसका मतलब है कि बिना संदर्भ के जब वो आदमी खड़ा था तो हमने कहा ये आदमी है, लेकिन भतीजे के संदर्भ में वो चाचा है, पुत्र के संदर्भ में वो पिता है, दादा के संदर्भ में वो पोता है,
नाना के संदर्भ में वो नाती है, इसको बोलते हैं उपाधि। जिसको हमने अभी संदर्भ कहा उसको बोला जाता है उपाधि, माने अलग अलग संदर्भों में, माने अलग अलग उपाधियों में उसका नाम बदलता है। अच्छा मानिए, अपना अपना काम करके तो भतीजा भी गया, दादा भी गए, नाना भी गए, सभी लोग गए, अब उसको फिर से क्या बोलेंगे? भाई भतीजा गया तो चाचा नहीं रहा, पुत्र गया तो पिता नहीं रहा, दादा चले गए तो पोता नहीं रहा। तो चाचा गया, पिता गया, पुत्र गया, पोता गया, सब लोग चले गए, तो सब चला गया कि आदमी बचा? क्या बोलेंगे? आदमी भी खत्म हो गया? बोल सकते हैं, झिझक होती है। अब बता, मैं सारे संदर्भ चले गए तो क्या शून्य हो गया क्या? अब ये शब्द मैंने जानबूझ के बोला। देहरादून में आप लोग रहते हैं, सत्संग प्रवचन कभी न कभी सुनते ही रहते होंगे। एक भारतीय दर्शन में शून्यवाद भी है, ठीक है ना, बौद्ध दर्शन। आप उस आदमी को क्या बोलोगे? शून्य बोलोगे? ये सही है कि चाचा नहीं है वो, ये सही है कि वो पिता नहीं रहा, ये सही है कि वो दादा नहीं रहा,